हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी ट्रेडिशनल लड्डू बनाने की रेसिपी, और ये मैं बनाऊंगी टिपिकल विलेज स्टाइल में, जैसे कि हमारी ग्रैंड मदर्स बनाया करती थी। और इसके लिए मैं सारे बर्तन भी ट्रेडिशनल ही यूज़ करने वाली हूँ। तो सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है दरअसल ज्वार का आटा, और इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। वाई? बिकॉज लोहे की कढ़ाई में हम जब खाना पकाते हैं तो बहुत सारा आयरन भी हमारे खाने में चला जाता है। भूनने के बाद जो ज्वार है उसका कलर कुछ इस तरीके से लाइट ब्राउन नज़र आता है। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हमने डालना है वो है गुड़। ये वाला गुड़ भी आप किसी भी सुपरमार्केट से ले सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, और बस ये जो कढ़ाई में आटा जो भून गया है इसको मैं अब निकाल लूँगी, और इसी कढ़ाई में ही मैं गुड़ को मेल्ट करने वाली हूँ। तो आप इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो भी आप चाहे ऐड कर सकते हैं, बेसन भी ऐड कर सकते हैं। मैं इनको प्योरली सिंपल रखने वाली हूँ, और वो इसलिए कि मैं चाह रही हूँ कि मेरी फैमिली जो है वो बिस्किट्स वगैरह जो बाज़ार से हम ख़रीद के लाते हैं वहाँ से थोड़ा शिफ्ट होके ट्रेडिशनल खाना खाना शुरू करें। तो देखिए, मैंने घी लिया, देसी घी, और गुड़ उसमें मेल्ट करा। अब मैं जो ज्वार का भुना हुआ आटा है इसमें मिला दूँगी, एंड ये मैं आराम से बैठ के जब वो मिक्स हो जाएगा अच्छे से लड्डू बना रही हूँ। तो आप ये काम तब करें जब आप बिल्कुल फुर्सत में हैं, क्योंकि लड्डू बहुत थोड़ा सा आपको मेहनत लगती है, और ये आटा के लड्डू की तरह ऐसे नहीं कि कन्वीनियंटली ये बन जाए। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। आपको अगर घी कम लगे तो आप थोड़ा घी भी और डाल सकते हैं। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालें या ड्राई फ्रूट्स डालें, आटा डालें, बेसन डालें, और भी मल्टीग्रेन्स भी डाल सकते हैं। मैंने इनको प्योरली ज्वार का ही बनाया है, एंड मैं होप करती हूँ ये वाली रेसिपी आप भी ट्राई करेंगे और अपनी फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।